आपके पास। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण राघव। लक्ष्मण, सवाल तो यही है कि अभी आग कैसे बुझेगी, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स यहां देखी गई, कैंडिडेट बदल दिया गया, लेकिन जो अब नाराजगी है उसको कैसे संभाला जाएगा? देखिए, अभी भी स्थिति वहां पर इसी तरह की है, खदेड़ने की कोशिश हुई है, तमाम थाना अधिकारी को वहां पर बुलाया गया है, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है, लेकिन अभी भी लोगों में आक्रोश है। जहां तक इस सियासी समीकरण को समझे, दरअसल ये बात इससे बिगड़ी कि बीकानेर में हुआ क्या था कि जब बीडी कल्ला का टिकट काटा गया तो बहुत ज्यादा आक्रोश था, लोग सड़कों पर आ गए। बीडी कल्ला का टिकट कटा इसलिए कि वो उस कैटेगरी में आ रहे थे जिसमें दो बार लगातार हारने वालों को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन हम देखे राजस्थान की सियासत में, नईमुद्दीन गुड्डू की पत्नी को टिकट दे दिया गया, वो दो बार आ रही थी। इसके अलावा साफिया खान को टिकट दे दिया गया, जिनके पति जुबेर खान बड़े नेता हैं, दो बार आ रहे थे। तो ये बात तब चल रही थी। हालांकि बीडी कल्ला ने अपने परिवार का कोई नाम नहीं दिया था, इस बात को लेकर भी बातें आई थी और ये नाम आगे बढ़ा दिया गया उस वक्त सीईसी की बैठक में, यशपाल गहलोत को टिकट दे दी जाए। दरअसल यशपाल गहलोत बीडी कल्ला कैंप के ही व्यक्ति हैं, बीडी कल्ला के साथ देखे जाते हैं, तो ये बीकानेर पूर्व से टिकट मांग रहे थे। ऐसे में इन्हें पश्चिम से टिकट देने के बाद विरोध हो गया। उधर केएल झंवर को अशोक गहलोत और रामेश्वर टूडी ने कांग्रेस में शामिल कराया, इसलिए कराया क्योंकि विधायक सिद्धि कुमारी लगातार दो बार जीत चुकी थी, ये सीट टफ थी और ऐसा लग रहा था कि वैसे समीकरण के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला को टिकट दिया गया तो ये सब हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात, दरअसल ये बात यहाँ से शुरू नहीं होती, इसमें कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल वोरा ने हस्तक्षेप किया पहले बीडी कल्ला के लिए और उस वक्त ये टिकट मिली। तो जब टिकट मिली तो बीडी कल्ला ने कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने ये हुए कि बीडी कल्ला इस बात को समझ रहे थे कि यदि माली समुदाय का टिकट कटता है और वो पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर माली समुदाय उनसे नाराज होगा। बीडी कल्ला ने एक बड़े नेता की तरह बहुत चतुराई से एक दूसरा टिकट जो यशपाल गहलोत है उनका शिफ्ट कराने की कोशिश की और वो शिफ्ट हुआ। लेकिन इस बीच प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर टूडी के लिए बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि केएल झंवर उनको हरा चुके थे, मान मनोबल करके उनको लेकर आए थे। लेकिन जब आज ऐसा हुआ तो ड्यूटी का ये आक्रोश भी बिल्कुल स्पष्ट सार्वजनिक तौर पर आ गया। जो वीडियो हमने सबसे पहले पसंदीदा ने चलाया और उन्होंने जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे यदि केएल झंवर को टिकट नहीं दिया गया। ड्यूटी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो यदि इस तरह की बात होती है तो स्टैंड लेते हैं, तो ड्यूटी ने स्टैंड लिया मुझे लगता है प्रतिपक्ष नेता के तौर पर। और ये उस पार्टी की क्रिकेटी है कि एक प्रतिपक्ष नेता को सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान देने पड़े। तो मुझे लगता है कि किसी को खाना परोसा गया, फिर छीना गया, फिर परोसा गया और फिर छीना गया। अब इस समीकरण में कांग्रेस कितना आगे जाएगी, क्योंकि आपको बता दूं आंधी में भी दरअसल यहां पर जिले में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक रही थी, दो सीटें जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार लगता है बैठे बैठाए जो है जिस तरह का कम्युनिकेशन गैप कहिए और बड़े नेताओं के बीच असहमति कहिए या ये कहिए कि यहाँ बीकानेर में अपने अपने कोनाक थे, अपने अपने किले बनाए जा रहे थे, हर नेता अपनी रेश में था। बीडी कल्ला बड़े नेता थे, उनके अपने गणित थे, रामेश्वर डूडी खुद को अभी सीएम रेस में समझ रहे थे, उनके अपने गणित थे। दूसरी तरफ एक तिकड़ी थी वीरेंद्र बेनीवाल, मंगलाराम गोदारा और गोविंद मेघवाल। मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा फायदे में रही क्योंकि वो अलग रही, दिल्ली हाईकमान से टच में रही, तीनों को टिकट मिल गया। लेकिन यहाँ जो है स्थिति विकट हो गई। अभी की बात करो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, आरएसी मौके पर तैनात है, लेकिन इस तरह का सियासी बवाल एक टिकट के लिए होना ये बताता है कि पार्टी का मैनेजमेंट वाकई फेलियर है। क्या योगेश जी आप भी इनकी बात से सहमत हैं? मिसकम्युनिकेशन, मैनेजमेंट फेलियर? देखिए, वाकई में जो बात सामने आ रही है और लक्ष्मण ने जो बात कही है वो वाकई में तार्किक बात है, क्योंकि यहाँ पर